गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमारा चला था बेटा ग्राफ, टॉपिक चला था ग्राफ, हम पढ़ रहे थे ग्राफ को। और ग्राफ में हमने पहले हमने सीखा कि ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद जो है हमने चल रही थी बेटा प्रैक्टिस, तो अब हम ग्राफ की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारी प्रैक्टिस चल रही ग्राफ की, और हम ग्राफ जो है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को देख करके हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। टारगेट वाले बच्चे जो है उनको पता है कि ये फॉर्मूला क्या है और कहाँ से निकल के आता है, लेकिन इलेवंथ वाले बच्चे हैं वो परेशान ना होए कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया। जब इलेवंथ वाले बच्चे ट्वेल्थ में आएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है किधर से निकल के आया है। अब मेन बात हमारी ये है कि हमें क्या करना है, इस पर इस फॉर्मूले पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ हम किसके बीच में बनाएंगे बेटा, एफ और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर मैंने कहा के है और ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, ये क्या है बेटा कॉन्स्टेंट है। ये क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। जब ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तब हमारे पास में जो रिलेशन बन के आएगा वो ये बन के आएगा। ओके ये रिलेशन बन करके आ गया है एफ रिवर्स प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है तो देखिए तो हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है एफ एंड आर के बीच। ठीक है तो यहाँ पर देखिए एफ और आर के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। आपको पता है जब भी इस तरह का रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है। ये कैसे बनता है और क्यों बनता है ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है अब देखिए सेकंड बात यहां पर ये है कि भाई इस ग्राफ का आप नाम दीजिए। भाई नाम भी देना पड़ेगा। तो आपको पता है बेटा कि जो रिलेशन होता है वाई समानुपाती वन अपॉन एक्स, वाई प्रपोज्ड के अंदर बेटा एक्स स्क्वायर, वाई प्रपोज्ड में बेटा वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है इनमें से कोई भी इक्वेशन हो उसके लिए ये ग्राफ ही बनेगा। चाहे पावर वन हो तो ये ग्राफ बनेगा, पावर टू हो तो ग्राफ ये बनेगा, पावर थ्री हो तो भी ये ग्राफ बनेगा। रिवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन के लिए ग्राफ हमेशा इस तरह का बनता है। ठीक है अब बात आती है नाम कि इस ग्राफ का नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जब पावर का रेशियो वन वन हो तो हम उस ग्राफ का नाम देते हैं और हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय। क्या बोलते हैं उसको? आयताकार अति परवलय ये बोलते हैं हम उसको। ठीक है और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है ये बोलते हैं हम। कब बोलते हैं? जब पावर का रेशियो वन रेशियो वन हो तब। लेकिन अगर बेटा मैं ये कह दूं कि पावर रेशियो वन रेशियो टू हो या वन रेशियो थ्री हो तब हम उस ग्राफ का कोई नाम नहीं देते। तो इस तरीके यहां पर पावर का रेशियो बेटा कितना है? वन रेशियो टू है। तो हम यहां पर इस जो ग्राफ है इस ग्राफ का कोई नाम नहीं देंगे। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है U इजिकल टू बेटा, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, U इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है फॉर्मूले पे मत जाइए, आप मत सोचिए फॉर्मूले के बारे में जो इलेवंथ वाले बच्चे हैं। ठीक है आप तो बस ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए। ये थोड़ी है कि बेटा ग्राफ जब हम ये जो ट्वेल्थ टॉप जो फॉर्मूला है वो ट्वेल्थ का है तो हम ट्वेल्थ में जाएंगे तब हम वहाँ पर इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। नहीं यहाँ पर जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो इलेवंथ के टॉपिक और ट्वेल्थ के टॉपिक दोनों से रिलेटेड जो है ग्राफ यहाँ पर ले रहे हैं, यानी ग्राफ को कंप्लीट सीख रहे हैं, कोई बात छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है तो देखिए बेटा यहाँ पर यू एंड आप ये ग्राफ यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ बिटवीन यू एंड आर, यू एंड आर के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर के है क्यू वन है और क्यू टू है, ये क्या है बेटा यहाँ पर कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट मान लिए गए हैं तब यहाँ पर रिलेशन जो मन के आता है यू प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर आता है। ठीक है ये रिलेशन आता है, ये यहाँ पर रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन निकल के आया है। आपको पता है कि जब भी रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है ऐसे। अब देखिए इस ग्राफ का आप नाम क्या दोगे?
आपको पता है बेटा कि पावर का रेशियो जो है वो 1:1 है। जब भी पावर का रेशियो 1:1 होता है तब हम इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। क्या बोलते हैं इसको? आयताकार अतिपरवलय बोलते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं? जो पावर का रेशियो क्या हो, 1:1 हो, तब ये हमारे पास रेशियो निकल के आता है। अब एक बात और सुनिए बच्चों, ये यू प्रोपोर्शनल 1/r का रिलेशन हमारे पास में ये आया है ठीक है। ये तब आया जब आपने ये कहा कि ग्राफ किसी के बीच में खींचे बेटा, यू एंड आर के बीच में ग्राफ खींचिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं यहां पर कि आप यहां पर ग्राफ जो है वो यू एंड 1/r के बीच में खींचिए ग्राफ, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। जब भी प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे कि जब भी प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो ग्राफ क्या आता है बेटा? स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहां पर जो इसके लिए ग्राफ आएगा वो कितना आएगा बेटा? U है ना, और 1/r के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा। लेकिन यहां पर यू एंड आर के बीच में हो तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, जो रूल सिखा चुका हूं आपको पूरे फिजिक्स के अंदर वही रूल चलेंगे, अलग से कोई नया रूल नहीं आएगा। तो देखते हैं बेटा आगे, यहां पर हम और फॉर्मूले देखते हैं। कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि नेगेटिव के अंदर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से बनाया जाता है। ग्राफ को बनाने का तरीका पूरे फिजिक्स में एक ही रहेगा, जो मैं यहां पर बेसिक में सिखा रहा हूं वो पूरे फिजिक्स के अंदर वही तरीका रहेगा, चाहे 11th के टॉपिक हो चाहे 12th के टॉपिक हो। तो देखिए बेटा यहां पर, यहां पे देखिए U इज इक्वल टू बेटा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर है, यहां पे ये है। और आपको यहां पर क्या करना है बेटा, इसका जो ग्राफ है वो बनाना है। तो देखिए आप इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रॉ करोगे। यहां पर ग्राफ जो आपको बनाना है U एंड R के बीच में ठीक है। तो देखिए यहां पर जी और एम वन और एम टू ये यहां पर क्या कॉन्स्टेंट है, यहां पर ये क्या है ये हम सीखेंगे चैप्टरों के अंदर। तो इस तरह से बेटा अभी फॉर्मूलों के अंदर आप परेशान ना होए, ये हम आपको सब सिखाएंगे, ये रिलेशन बनकर के हमारे पास में आया है ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये रिलेशन आ गया, तो इसके अंदर एक है अपना जो स्क्वायर है वो हटा दीजिए ठीक है। तो ये रिलेशन आया है और आपको यहां पर यू एंड आर के बीच में जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है बेटा अभी करते हैं ड्रॉ। तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चों कि U एंड 1/r है यहां पर ठीक है। तो यहां पर जो रेशन बनता है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशन बनता है। और आपको पता है बेटा कि रिवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन के अंदर जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, तो देखिए ये U है और ये अपने पास में क्या R है। तो देखो अगर ये ग्राफ, अगर मैं इस माइनस को अवॉइड कर दूं तो आपको पता है बेटा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, वो ये है कि यहां पर माइनस का साइन और आ रहा है। अब देखिए यहां पर माइनस का साइन आ रहा है तो देखिए क्या कहानी होगी। तो माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब ये ग्राफ यहां तो बनेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ के ये जो पार्ट होते हैं बेटा ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है ना। तो यहां पर इस तरह से बनेगा। अब देखो यहां तो ग्राफ जो है इस तरह से तो ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर जो है ग्राफ का जो अपने फॉर्मूला हमारे पास के अंदर जो उसका रिलेशन निकल के आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा, माइनस के अंदर आ रहा है, तो यहां तो आएगा नहीं। चलो ठीक है यहां देखते हैं। अब मैंने कहा कि चलो भाई यहां बना लेते हैं ऐसे, अगर मैं यहां बनाता हूं तो आप यहां पर क्या देखोगे, यहां पर देखोगे बेटा कि यहां पर जो आर है वो क्या आ रहा है, आर जो यहां पर क्या आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है। आपको पता है बच्चों कि आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस जो होती है दूरी जो होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो यहां पर भी नहीं जाएगा ठीक है। फिर यहां आओ, यहां आओ बेटा, यहां पर लो आओ बेटा, तो यहां पर भी वही कहानी है कि आर बेटा क्या यहां पर नेगेटिव में है, क्योंकि ये बेटा आर कहां जा रहा है, इधर आ रहा है, तो आर नेगेटिव में नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में नहीं होती, इस कारण बेटा ये वाला भी नहीं जाएगा। अब यहां आओ, यहां आओ, आपने यहां पर जो है ग्राफ ड्रॉ किया ये वाला। अब आप यहां पे ये देख रहे हो बेटा कि ये तो बेटा क्या है, एक जो है वो तो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आर जो बेटा कहां आ रही है, आर बेटा इस साइड मार रहा है, यानी कि आर यहां पे क्या है इसका पॉजिटिव है, तो यहां पर इसका जो ग्राफ होगा ये वाला निकल के आएगा।
ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। मैं इसका इसको रब करता हूं, फिर अच्छे से बनाते हैं इसको। ये देखिए ये ग्राफ जो है वो किस तरह से बनकर आता है, देखिए। तो देखिए यहां पर ये जो ग्राफ है वो ये यू है बेटा, और ये अपने पास में आर है, ठीक है। तो यहां पे जो ग्राफ बन के आएगा वो इस तरह से बनकर के आएगा। तो यू एंड आर के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका नाम देते हैं अपन। देखो नाम देने के लिए कोई जरूरी नहीं है, हम यहां पर ये देखते नहीं है कि माइनस में आ रहा है ये प्लस में आता है, नाम तो नाम होता है। तो देखिए बेटा नाम के लिए यहां पर पावर का रेशियो देखिए आप, तो पावर का रेशियो जो है यहां पर कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। देखिए 1:1 दोनों की जो घातों का जो अनुपात है या पावर का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। जब पावर का रेशियो 1:1 आता है तो इसका नाम होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी कि आयताकार, आयताकार, आयताकार अतिपरवलय। क्या नाम है इसका, आयताकार अतिपरवलय नाम आया है इसका। तो इस तरह से इसका नाम ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव आए तो भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम यहां पर नेगेटिव आए तो ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं और नाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो है वो हम किस तरह से लेते हैं देखते हैं। आगे जो फॉर्मूला है उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम ग्राफ का जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव फॉर्मूला हो तो उस पर ग्राफ किस तरह से बनते हैं वो हम देख रहे हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे अपने पास में सेकंड जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है, ये देखिए ए इजिकल टू माइनस का के जेड ई स्क्वायर और ये अपॉन में 2R है। यहाँ पर ये 2R है, ये रिलेशन है बेटा। और यहाँ पर आपको ग्राफ निकालना है, बनाना है ई एंड आर के बीच में, ठीक है। ई वे आर के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले पे मत जाइए, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पर के है, जेड है, देखो ई एंड आर के बीच में जो ग्राफ खींचना होता है तब हम क्या करते हैं बाकी चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब कॉन्स्टेंट है, जेड ई स्क्वायर और ये टू वगैरह ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास रिलेशन जो बनता है वो ये बनता है माइनस का 1/r, ये रिलेशन बनता है। अब जब ये रिलेशन बन गया है तो यहां पर इस रिलेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, देखिए ई है और ये आर है, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से बन करके आएगा, ठीक है। नाम वही है बेटा कि यहां पर पावर का रेशियो कितना है, 1:1 है। जब पावर का रेशियो 1:1 हो तब हम इसका नाम बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यहां पर इस ग्राफ का हमने नाम दे दिया है। फिर देखिए बेटा आगे सेकंड जो है वो हमें दे रखा है बेटा यहां पर ई इजिकल टू बेटा देखिए माइनस का जी एम एम अपॉन में बेटा कितना है 2R, अपॉन में कितना है 2R। ये कोई रिलेशन हमको दे रखा है और इसका भी हमें ग्राफ खींचना है तो हम खींच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सबको कॉन्स्टेंट मानिए और जो ग्राफ है का रिलेशन बन के आएगा वो इस तरह से बनकर के आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही है ग्राफ, तो ग्राफ जो है यहाँ पर देखिए किस तरह का बनेगा। यहाँ पर देखिए बेटा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर माइनस लगा रखा बेटा, अगर ये माइनस है तो ये ग्राफ जो है यहाँ ना बन करके ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा, ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। ये मैं बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। किसी तरह का भी नहीं होना चाहिए कि ये माइनस के अंदर है तो ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन के अंदर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को ऐसा ना लेकर के इस तरह का ग्राफ लेंगे, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम जब ग्राफ बनाएंगे ई एन आर के बीच में तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए बेटा ये माइनस के अंदर है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा तो जाएगा, तो 1/ माइनस का 1/r है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है यहाँ पर जाएगा, इस तरह जाएगा। नाम वही है, पावर का रेशियो इसका क्या है, 1:1 है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम जाएगा इसका, आयताकार अतिपरवलय नाम जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए ग्राफ कौन सा वाला होगा बेटा, ये वाला होगा, क्योंकि जब रिलेशन जो है नेगेटिव के अंदर है तो वो नेगेटिव एक्सिस के अंदर ही जाएगा। किस तरह का जाएगा, क्यों जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर हमारी चल रही है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हमेशा ध्यान रखें
कि फॉर्मूला जो आपके पास में आया है तो वो फॉर्मूला किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है या पॉजिटिव के अंदर है, तो वो सब चीज़ें आप देखोगे बेटा, और उस चीज़ को देख करके ही ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि जल्दी जो होती है वो घातक होती है, ठीक है ना। यूँ नहीं है बेटा ग्राफ का रिलेशन देखा और आपने फटाफट ग्राफ बना दिया, ना, उसके अंदर देखे कि वो प्लस के अंदर है रिलेशन या माइनस के अंदर है। अब देखिए बेटा यहाँ पर, उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर देखो एक बॉयल्स लॉ आता है, बॉयल्स लॉ आता है, ये चार्ल्स बॉयल्स लॉ है, ये हम केटेजी पढ़ेंगे, ये नियम क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसकी डिस्कस है हम अपने पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब हम आपको केटेजी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन आता है ये पी वी इजिकल टू बेटा एन आर टी, डिस्कस इसका मैं डिटेल में करूँगा आगे, यहाँ पर बस ये मान लो कि कुछ होता है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन यहाँ पर मोल है, आर यहाँ पर हीटमेट कॉन्स्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। तो बॉयस लॉ के अंदर क्या होता है कि जो टी होता है ये कॉन्स्टेंट रहता है, टी क्या रहता है बेटा कॉन्स्टेंट रहता है। अब जब टी कॉन्स्टेंट है तब क्या कहानी होगी, देखो सुनो, ये तो बेटा मोल्स हैं, गैस के मोल्स हैं वो भी कॉन्स्टेंट रहते हैं बेटा, और ये बेटा रिडबर कॉन्स्टेंट है, ये तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो ये सारा सारा क्या हुआ कॉन्स्टेंट हुआ, तो पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट ये आया हमारे पास में। अब हमारे पास में रिलेशन जो आया वो पी रिवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी आया है, और यहाँ पे आपसे ये कह जाता है कि यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए किसके बीच में बेटा पी एंड वी, इसके बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वही है बेटा, ये पी डाला और ये हमने वी डाला। अब देखिए पी और वी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ये रिलेशन कैसा है रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और आपको पता है रिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में ग्राफ ऐसा बन करके आता है। अब इस ग्राफ का नाम दीजिए, देखो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप पी और वी के बीच के अंदर जो रिलेशन है उसमें यहाँ पर जो पावर का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, तो इसके कारण इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, आयताकार अति परवल्य, आयताकार अति परवल्य होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैं इसको बोलता हूँ RH, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलूंगा इसको। तो इस तरह से हम इसका नाम देते हैं, बाकी ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये हम पढ़ेंगे, गैलसक लॉ है, ये हम पढ़ेंगे बेटा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे बेटा, उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। तो अभी परेशान ना हो फॉर्मूलों को देख करके कि भाई ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है, ये हम इसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे, अभी हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि बॉयल्स लॉ के अंदर, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, यहाँ पर बॉयल्स लॉ है, और इस बॉयल्स लॉ के अंदर क्या रहता है बेटा, टी कांस्टेंट रहता है, क्या होता है टी कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि पी व टी के बीच में ग्राफ बनाइए, पी और टी के बीच में ग्राफ बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे देखिए ये पी है और ये टी है। जब मैंने कहा था जब भी आप किसी कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाते हो तो जो कॉन्स्टेंट हो उस पर आप एक खड़ी रेखा खींच दीजिए, तो ये टी कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक खड़ी रेखा खींच दीजिए, तो ये क्या होगा बेटा कांस्टेंट का ग्राफ होगा। अब देखो इसका नाम की बात करते हैं तो कोई नाम नहीं होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास चार्ल्स लॉ होता है, और उस चार्ल्स लॉ पे एक रिलेशन आता है, देखो चार्ल्स लॉ में बेटा क्या होता है, रिलेशन आता है वी प्रोपोर्शनल में टी आता है, और इसके अंदर जो होता है प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। घबराए नहीं बेटा, 11th वाले बच्चे घबराए नहीं कि भैया ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एक जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, मैं इसका चार्ल्स बॉयल्स रूल्स है, गेलुसेक रूल्स है, ये मैं आगे आपको केटेजी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर मैं डिटेल के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, इसको लूंगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप तो ये मान लीजिए कि कोई चार्ज का लॉ होता है और उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है और उसके अंदर जो रिलेशन आता है वी समानुपाती टी, भाई आइडल गैस इक्वेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको जब मैं यहाँ पर आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आएगा बेटा, केटीजी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स जो है, केटीजी है, उस सब के अंदर हम जो है इसका डिस्कस करेंगे। आइडल गैस इक्वेशन जो होती है ये होती है। अब इसमें क्या है, मैंने बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट, तो ये तो बेटा देखो यहाँ पर एन आर तो बेटा वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रेशर इन्होंने बोल दिया कांस्टेंट है, तब देखो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, वी समानुपाती टी, वी प्रोपोर्शनल में टी का रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ
इस ग्राफ के अंदर, मैं बोलता हूं इस इक्वेशन है या इस फॉर्मूले जो हमारे पास में आया हुआ है इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं ये कहता हूं भाई वी एंड टी के बीच में ग्राफ बनाइए, ठीक है। देखिए ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वी एंड टी वॉल्यूम एंड टी। तो देखिए यहां पर रिलेशन जो आ रहा है क्या आ रहा है, वी प्रोपोर्शनल में टी आ रहा है। तो आपको पता है वी प्रोपोर्शनल में टी आ रहा है यहां पर, तो यहां पर प्रोपोर्शनल का अपना रिलेशन आ रहा है तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर बेटा मैं यही आपसे ये बोल दूं कि ना जी ना मुझे तो यहां पर पी एंड टी के बीच में ग्राफ बना के बताना है, पी एंड टी के बीच में, तो देखिए कैसे मैंने कहा, ये मैंने पी मान लिया यहां ले लिया और टी मैंने यहां पर ले लिया। तो मैंने कहा था देखो यहां पर जो रिलेशन आ रहा है पी एंड टी का, तो यहां पर पी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और जो कॉन्स्टेंट होता है उस पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, एक लंब डाल दीजिए, तो ये एक खड़ी रेखा डाल दी, तो यहां पर पी कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको कुछ भी बोल दिए तो बातें जो हैं हमने सीखी हैं उन्हीं को आपको यूज करना है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये इस तरह से हमने यहां पर कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाया है, डिवर्सिटी प्रोपोर्शनल ग्राफ बनाया है, तो यहां पर हमने फॉर्मूलों को देख करके यहां पर हमने अनेकों तरह के ग्राफ बनाए। जब नेगेटिव होता है तब हम क्या करते हैं, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब हम क्या करते हैं, जब रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो और घातों का अनुपात 1:2 हो तब हम ग्राफ का क्या नाम देते हैं, तो वो सब बातें हमने यहाँ पर सीखी। क्या करेंगे बेटा कि हम यहाँ पर आपको कोई एक रिलेशन दे देंगे और रिलेशन देख करके आपसे हम बोल देते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है या ये क्या है और उस पर आप ग्राफ बनाइए। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम एक्सरसाइज ग्राफ की जो हम एक्सरसाइज है वो लेंगे और उस एक्सरसाइज के अंदर क्या कहा है, देखो पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है बेटा इफ ए इज इक्वल टू बेटा बी सी है ये बोला है एंड सी इज कॉन्स्टेंट, सी इज इक्वल टू बेटा क्या है कॉन्स्टेंट, देन ड्रॉ ग्राफ। यहां पे आपको कोई फॉर्मूला दे दिया गया है ए इज इक्वल टू बेटा बी सी है और इसमें ये कह दिया कि सी क्या है कॉन्स्टेंट है और फिर आपसे बोला गया है कि ग्राफ खींचिए। मैं यहां पर आपको देता हूं, फर्स्ट है यहां पर ए इज इक्वल टू बेटा कितना है ए वर्सेस बी ये खींचना है। उसके बाद कितना बेटा बी है अपने पास में, ये जो बी है वो है अपने पास में कितना है ए वर्सेज सी, यानी ए और सी के बीच में, और थर्ड है अपने पास में तीसरा जो है वो क्या है बेटा बी वर्सेस सी, यानी कि यहाँ पर ग्राफ खींचना है। तो आप किस से ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप कुछ नहीं करना बेटा, आपको रिलेशन करने जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, रिलेशन अपने पास में कितना बेटा ए इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है ए वर्सेस बी, यानी कि ए और बी के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर बेटा क्या है सी कॉन्स्टेंट है, सी यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास रेशियो निकल के आता है ये ए प्रोपोर्शनल में बी, ये रेशियो निकल के आता है। और आपको पता है बेटा कि ए प्रोपोर्शनल बी रिलेशन हो तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन का होगा। फिर देखिए बेटा ए वर्सेज सी, यहाँ पर सेकेंड ग्राफ जो है वो देखिए बेटा किसके लिए ए वर्सेज सी, तो आपको पता है बेटा सी यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट होता है तो जिस ग्राफ पर कांस्टेंट पर हम ग्राफ खींचना होता है, कांस्टेंट के लिए ग्राफ खींचना होता है तो जो कांस्टेंट होता है उस पर आप खड़ी रेखा खींच दीजिए, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है। फिर क्या बी वर्सेस सी है बेटा, अब बी वर्सेस सी है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पर लीजिए बी और यहाँ पर लीजिए सी है, तो खड़ी रेखा बेटा खींच दीजिए तो ये बी वर्सेस सी का ग्राफ निकल के आ जाएगा। तो हमने इस तरह से बेटा यहाँ पर ग्राफ बनाना सीखा। अब इसका देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बेटा इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया कि ए कांस्टेंट है, क्या बोला इसने यहाँ पर ए कांस्टेंट है, जब यहाँ पर इसने ए कांस्टेंट बोल दिया है तो इसका ग्राफ खींचना है, एक मैं बता दूंगा बाकी ये आपका एच डब्ल्यू है, आपको घर से इसको सॉल्व करना है, रूम पे बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा कुछ को क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि ए वर्सेस बी के बीच में ग्राफ खींचिए, ए वर्सेस बी के बीच में ग्राफ खींचिए, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे बेटा, सॉरी हाँ ठीक है बेटा ये क्या है ए वर्सेस बी है, ओके,
तो कोई बात नहीं बेटा, ए वर्सेस बी है तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा, जो कांस्टेंट हो उसके ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, खड़ी रेखा खींच दीजिए, तो वो ग्राफ किसका हो जाएगा? कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बेटा आपके लिए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब मैं आगे जो लूंगा, अब मैं यहां पर आगे जो लूंगा वो लूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है क्या बोल रहा है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड टू फाइव जो है कंटिन्यू क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, ठीक है? तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई इज, रिलेशन निकल के हमारे पास में ये आ रहा है बेटा ए स्क्वायर बी, फिर है हमारे पास में बेटा कितना सी रूट डी, ये रिलेशन हमारे पास में निकल के आ रहा है भाई। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? यहाँ पे ये बोल दिया भैया कि ए बी सी डी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ई बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके बीच में रिलेशन जो है वो बन करके ये आ रहा है, अपने मन से कोई रिलेशन दे दिया, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं ये, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, वो ये बोल रहे हैं बेटा ई एंड ए सी आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये बोल रहे हैं ई ए एंड सी ये क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये नियत है, बदल नहीं रहे हैं। और फिर बोल दिया देन बी वर्सेस डी ग्राफ इज। तो यहाँ पे ये बोल दिया है कि अपने पास में ये बोल दिया है कि देखो ई ए सी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है और आपको ग्राफ खींचना है बेटा बी और डी के बीच में, यहाँ पर ग्राफ जो है वो खींचना है। तो देखिए बेटा बी एंड डी के बीच में यहाँ पर ग्राफ हम किस तरह से खींचेंगे तो वो देखना बेटा। तो देखो हमारे पास रिलेशन ये वाला है, तो इस रिलेशन के अंदर हम लिखेंगे इसको ई इजिकल टू ए स्क्वायर बी है और सी रूट डी है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ई ए सी कांस्टेंट है बेटा, ई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है, बचा क्या अपने पास में बी एंड डी। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, तो देखो ये सब कांस्टेंट है तो इसको आप इधर लेके जाइए, तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा बी प्रोपोर्शनल बेटा कितना रूट डी, ठीक है? यही बनेगा बेटा। अब आप इसको यूं भी कर सकते हो बी प्रोपोर्शनल डी की पावर हाफ, ये कर सकते हो बेटा, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ होगा कैसे होगा, देखो ये बी है और ये डी है, ओके? आपको पता है ग्राफ जो होता है हमेशा छोटी घात की तरफ घूम जाता है, तो छोटी घात इसकी डी की है तो इसका मतलब ये ग्राफ डी की तरफ घूम जाएगा, तो ये ग्राफ डी की तरफ घूम गया है। अब दूसरा इसका नाम बताइए, नाम क्या है, नाम बताना जरूरी है बेटा, जिसका नाम पॉसिबल होता है बनता है उसका हम नाम बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर पावर का रेशियो जो है वो कितना बेटा 1:2 है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कितनी हाफ पावर है, तो यानी कि ये रेशियो कितना हो गया 1:2 हो गया। और आपको पता है जब पावर का रेशियो 1:2 होता है, घातों का अनुपात 1:2 होता है, तब वो ग्राफ कहलाता है पैराबोला, परवलय कहलाता है। तो हम इसका नाम देंगे बेटा क्या, पैराबोला, परवलय नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको, परवलय नाम देंगे। तो ये परवलय का ग्राफ बनता है। अब देखिए बच्चों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसी फॉर्मूले पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हमें जवाब देना है कि देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि ई ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ई ए एंड बी, यही है बेटा, ई ए बी आर कॉन्स्टेंट, ये सब के सब क्या है यहां पर, कॉन्स्टेंट है। और यहां पर आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो ये है बेटा सी वर्सेस डी। तो यहां पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए बेटा, किसमें, सी वर्सेस डी में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है कौन सा, ई इजिकल टू बेटा ए स्क्वायर बी और सी रूट डी है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो पहले हम रिलेशन बनाते हैं कि सी वर्सेस डी के बीच में ग्राफ बनाना है, और जिनके बीच में हमें ग्राफ बनाना होता है हम फर्स्ट उसके बीच में क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं,
कि रिलेशन क्या बन के आ रहा है। तो देखो बेटा ई ए बी कॉन्स्टेंट है बेटा, ई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, तो ये आप इधर लेके जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी है और रूट में डी है, ये क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, ये यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको डी को इधर लगाइए तो ये रिलेशन बनता है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो मैं ये लिखूँगा सी प्रोपोर्शनल में वन डी की पावर हाफ, ये रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है, किसका आ रहा है रिवर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है। और आपको पता है कि जब रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनता है, वो बनता है बेटा इस तरह से बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है इसके नाम की, जब भी रिवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है तब ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, फिलहाल अभी पॉजिटिव के अंदर है तो ये यहाँ पर इस तरह का ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर नाम की बात आती है तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर अगर घातों का पावर का रेशियो 1:1 हो तब हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन अगर पावर का रेशियो 1:1 ना हो कोई और हो तो हम वहाँ पर कभी भी ग्राफ का नाम नहीं देते हैं, उस ग्राफ का कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा इसका, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चीज़ को किया। फिर देखिए बच्चों इसी में है आगे क्वेश्चन और भी है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको देता हूँ HW, इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है आपके लिए HW है, आपको स्वयं उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर भी दिक्कत होती हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इसको करना है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट किए। अब देखिए कुछ बातें हैं, अब हम नई चीज सीखने जा रहे हैं, तो वो देखिए क्या है, अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा के जो ग्राफ होते हैं उनकी क्या इक्वेशन होती है, ठीक है, और वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर इससे पहले हमने यहां पर प्रोपोर्शनल ग्राफ सीख लिया बेटा, ठीक है, पैराबोला के सीख लिए हम, हालांकि पैराबोला के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे विस्तार से, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आपको बता दिया है कि उसके जो इक्वेशन होती है उसकी क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हमारी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है पैराबोला पर, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तब हम करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ भी बताया कि प्रोपोर्शनल के ग्राफ जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, फिर हमने बताया रिवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, फिर हमने बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होते हैं वो ग्राफ होते हैं। अब जो इस तरह से हमने ग्राफ सीख लिए, अब जो हमारे पास जो आता है वो ये आता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, वो भी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की को पहली बात तो हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का है बनेगा या पैराबोला बनेगा, ठीक है, या रिवर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा या प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। तो हमें ग्राफ को इक्वेशन को देख के करके हम ग्राफ को पहचानेंगे कि भाई इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए तो वो इक्वेशन क्या होगी तो वो हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा ग्राफ जो किसका बेटा स्ट्रेट लाइन का बेटा ग्राफ, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं बेटा। यहां पर देखो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये y है, ये अपने पास में x एक्सिस है यहां बेटा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये एंगल कितना बेटा थीटा का है, ये एंगल थीटा का है, ओके। अब देखे बच्चों मैंने यहां पे कह दिया बेटा इस पॉइंट पर, मैंने क्या कहा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखो यहां पर जो x आ रहा है बेटा वो तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यहां पर x कितना है जीरो है। y देखते हैं बेटा y कितना है, y इस पे इतना है, इसको मैंने नाम दे दिया कितना c नाम दे दिया, क्या नाम दिया इसका c नाम दे दिया, ये मैंने इसको c नाम दे दिया। इसके बारे में मैं अभी डिटेल से डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया c, ओके। अब देखिए अब आप क्या कीजिए यहां से इसको आगे तरफ बढ़ाइए और यहां पर इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में ये बना है, ये देखिए बेटा ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा बनेगा बेटा, कॉरस्पोंडिंग एंगल से ये थीटा बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में थीटा बन गया है। अब देखिए ये हमारे पास में सी है और ये हमारे पास में टोटल कितना है वाई है और ये कितना सी है, तो ये कितना हुआ बेटा ये हुआ हमारे पास में वाई माइनस का सी हुआ, ठीक है।
अब देखिए, और ये हमारे पास में कितना बेटा x है। अब देखिए हमें इसके लिए स्लोप निकालना है, क्या निकालना है इसके लिए स्लोप निकालना है। तो आपको पता है बेटा स्लोप जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये अपने पास में थीटा है, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ बेस हुआ, और ये अपने पास में हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बेटा इसका जो स्लोप होगा, जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा बेटा वाई माइनस का सी अपॉन में एक्स, यही होगा बेटा, ठीक है। आपको पता बेटा कि ये जो टेन थीटा है ये क्या है, स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है तब हम स्लोप को m से डिनोटेट करते हैं, किससे करते हैं m से डिनोटेट करते हैं, m से दर्शाते हैं। सरल रेखा के ग्राफ को, सरल रेखा के ढाल को हम m से दर्शाते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा क्या कि m इजिकल टू बेटा कितना, m इजिकल टू वाई माइनस का c अपॉन में x, ये मैंने किया यहां पर। अब देखिए मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं, एम एक्स इजिकल टू बेटा वाई माइनस का सी, ठीक है। फिर मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, देखिए वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए इक्वेशन है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ये इक्वेशन किसके लिए बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन, ये यहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन है यहां पर, ये इसको हम बोलेंगे सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए जो समीकरण यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। जब भी ये इक्वेशन आएगी तो उस इक्वेशन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में कैसा आएगा पहचानना, हम उस इक्वेशन को देखेंगे भाई इक्वेशन क्या दे रखी है। अब इक्वेशन क्या है हम देख लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c है, तो हम बोल देंगे कि वो जो है इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की है। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो जब हमने प्रोपोर्शनल की इक्वेशन बनाई थी, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था सीखा था हमने, ठीक है। रिवर्स प्रोपोर्शनल का भी सीखा, और हमने पैराबोला की इक्वेशन क्या है उसके बारे में बताया हमने। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे उसकी जो इक्वेशन क्या बनेगी वो भी हमने यहाँ पर बता दी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c हो तो हमें क्या, हमें जो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर देख लो बेटा ये y है ये x है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये y एक्सेस है और ये एक्सेस है। ये m क्या है बेटा, यहाँ पर स्लोप है m, यहाँ पर क्या है, यानी कि x के पास जो आएगा वो दिखाएगा स्लोप को कि ढाल को दिखाएगा, ठीक है। अगर ये m बेटा पॉजिटिव हो तो हम ये बोल देंगे कि स्लोप कैसी है पॉजिटिव के अंदर, अगर ये m यहां पर नेगेटिव हो तो हम बोल देंगे स्लोप कैसा है उसका, नेगेटिव के अंदर है। अब बात आती है बेटा ये c क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट c के बारे में जानना। तो देखिए बेटा c के बारे में जाने आप, c यहां पर क्या है बेटा, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या होता है, देखो ये अपने पास में क्या बेटा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इसकी y एक्सिस पर, प्लस y एक्सिस पर या माइनस y एक्सिस पर या प्लस x एक्सिस पर या माइनस x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है मूल बिंदु से उसे बोलते हैं अपन अंतःखंड बोलते हैं। तो अब इस अंतःखंड के बारे में अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो सारा काम ही अधूरा है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं इसके लिए कि अंतःखंड को समझते हैं। देखो यहां पर देखो बेटा मैंने ये कह दिया कि यहां पे लगा दिया मैंने अंतःखंड C, ठीक है। तो देखो अंतःखंड क्या होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होती है, जो अपने पास में एक्सेस है, चाहे प्लस का y हो, ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी इसकी। अगर माइनस का x हो तो ये जो दूरी हो जाएगी ये क्या होगी बेटा, c होगी। माइनस का y हो तो ये जो दूरी होगी ये जो c होगी बेटा। माइनस का x हो तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी बेटा, यहाँ पर c जो है वो इंटरसेप्ट होगा, अंतःखंड होगा यहाँ पर। अब देखो चूंकि बेटा देखो ये क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर है, तो ये जो अंतःखंड होगा इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये भी क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, तो ये भी क्या होगा यहां पर पॉजिटिव के अंदर होगा बेटा। यहां पे आप ये देखोगे
यहाँ पे ये क्या बेटा नेगेटिव वाई के अंदर है, तो यहाँ पर जो सी जो आ रहा है वो क्या आएगा बेटा नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे जो सी है वो नेगेटिव एक्सेस के अंदर है, तो ये सी भी क्या होगा नेगेटिव के अंदर होगा। अब मैं ये बोल दूं ना जी ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने सी यहाँ ले लिया, तो ये क्या है सी होता है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, तो यहाँ पर तो बेटा ओरिजिन पॉइंट से इसके कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट इसका यहाँ है और इंटरसेप्ट आपने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे आपका सी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो इस तरीके से बहुत बनता है। अब इसका और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं, देखो इसका और बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता हूँ इंटरसेप्ट के बारे में, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर का मतलब क्लियर वो वाला नहीं, क्लियर का मतलब बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। देखो मैंने ये कह दिया यहाँ पर कि m कितना यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है ओके, मैंने ये बोल दिया कितना m पॉजिटिव, m पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, m मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन का जब भी ग्राफ बनता है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्लोप आता है उसको आप किस दिखाते हो m से दिखाते हो, ठीक है। तो m पॉजिटिव होता है तब यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो देखो ये भी बन सकता है बेटा, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तीनों ग्राफ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा वाला होगा ये अपन को देखना है, तो देखो ग्राफ कौन सा वाला होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये हमें बताएगा इंटरसेप्ट बताएगा, यानी कि अंत्यखंड बताएगा कि इसके लिए ग्राफ कौन सा होगा। जैसे कि मैंने ये मान लिया कि मेरे पास जो समीकरण है स्ट्रेट लाइन की वो है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस का सी है, ये इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है। तो देखो बेटा स्लोप पॉजिटिव है तो ये भी हो सकता है ग्राफ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा होगा वो हमें ये इक्वेशन देख के पता चलेगा। यहां पे देखिए ये जो इंटरसेप्ट है अंत्यखंड है ये हमें बताएगा कि ग्राफ कौन सा वाला होगा। यहां पे आप देख रहे हो कि सी क्या है पॉजिटिव के अंदर है, और जब सी पॉजिटिव के अंदर होता है यानी कि यहां पर अंत्यखंड इंटरसेप्ट पॉजिटिव में कौन सा वाला है वही ग्राफ इस इक्वेशन के लिए होगा। तो आप देख रहे हो बेटा ये वाला जो आ रहा है ये सी जो है वो क्या है पॉजिटिव के अंदर है, तो इसका मतलब यहां पर सी पॉजिटिव के अंदर है, इसका मतलब जो है इसका इसके लिए ग्राफ ये वाला होगा। अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं आपसे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का सी, तब देखो सर c नेगेटिव कौन सा है, c नेगेटिव में ये वाला c जो है वो क्या है नेगेटिव के अंदर है, इसके लिए इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ये वाला होगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट के लिए। अगर मैं यहां पर ये बोल देता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स यानी कि c इसमें कितना जीरो है, इंटरसेप्ट के अंदर कितना जीरो, अंत्यखंड का जीरो, तो ये अंत्यखंड जीरो जो है वो यहां निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए थर्ड इक्वेशन के लिए जो ग्राफ आएगा ये वाला निकल के आएगा। तो यहां पर ग्राफ कौन सा ड्रॉ होगा ये हमें बताएगा इंटरसेप्ट बताएगा, तो इंटरसेप्ट की यहां पर अंत्यखंड की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपने यहां पर देखी। बाकी स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो ये वाला होगा, और इस इक्वेशन को देख करके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह का। अब देखिए यहां पर मैंने यहां पर ये कह दिया है कि m कितना बेटा यहां पर नेगेटिव के अंदर, ओके स्लोप क्या है इसका नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप के जो ग्राफ बनेंगे वो आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव स्लोप के जो ग्राफ है वो इस तरीके के आएंगे, ये मैं आपको सिखा चुका हूं डिटेल के अंदर कि स्लोप जो है यहां पर नेगेटिव क्यों है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप के जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। अब हम कहेंगे कि इसमें से सही कौन सा वाला है वो आप इंटरसेप्ट देख करके बता सकते हो, यानी कि जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैं ये मान लूं y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का c, ये मुझे दे रखा है, तो इसके लिए यहां पर ग्राफ कौन सा वाला होगा। देखो ये माइनस तो चिन्ह है, इस कारण बेटा स्लोप जो है वो तीनों होगा, ग्राफ तीनों यहां पर सही है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन के लिए कौन सा करेक्ट है ये हमें बताएगा ये इंटरसेप्ट, ये सी अंत्यखंड है ये हमें बताएगा कि कौन सा पॉजिटिव, कौन सा ग्राफ जो है इसके लिए सही है। तो यहां पे आप देखोगे कि इस ग्राफ के लिए जो सी है वो क्या है पॉजिटिव है। अब जब सी पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ जो होगा नंबर वन जो ग्राफ वो सही होगा। तो समीकरण इक्वेशन जो एक के लिए जो ग्राफ होगा वो कौन सा वाला होगा नंबर वन होगा। फिर देखिए वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और माइनस का सी, मैंने ये बोल दिया ये भी इक्वेशन है आपके लिए।
अभी आपके पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ कौन से वाला होगा? देखो स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा वाला होगा ये हमें बताएगा इंटरसेप्ट, सी बताएगा, अंत्यखंड बताएगा। आप देखोगे कि अंत्यखंड जो है वो नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे आओ, ये जो अंत्यखंड है यहाँ पर सी कितना, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो स्लोप होगा यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के लिए ये स्लोप होगा स्लोप नंबर थर्ड, ये सेकंड ग्राफ के लिए सेकंड इक्वेशन के लिए होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन। फिर देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर इक्वेशन दे दिया आपको y इक्वल टू माइनस का एम एक्स नाम दे दिया, y इक्वल टू माइनस का एम एक्स नाम दिया है, तो यहाँ पे बेटा देखो क्या है, ढाल तो बेटा क्या है, स्लोप इसकी क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब इनमें से कौन सा वाला होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सी क्या कह रहा है। सी यहाँ पे बेटा कितना, जीरो है। अब सी जीरो है इसका मतलब ये जो है यहाँ वाला बनेगा, सी जीरो तो बेटा यही होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा वो थर्ड इक्वेशन के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेप्ट कितना है, जीरो है, और यहाँ पर भी कितना इंटरसेप्ट, जीरो है। तो देखो इंटरसेप्ट का अंत्यखंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यहाँ पर आप अंत्यखंड को देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर जो ग्राफ है नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप वाला जो ग्राफ है वो कौन से वाला इक्वेशन में फिट बैठता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर अपना इंटरसेप्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने किस तरह से चर्चा की, आपको अच्छे ढंग से समझाया कि यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट जो होती है वो क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, अंत्यखंड होती है, ठीक है। सी होती है, उसको सी से दिखाते हैं अपन, अंत्यखंड बोलते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको, अब देखिए बेटा हम कुछ आपको इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन को देख करके आपको यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का या नहीं बनेगा वो हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए, तो देखिए बेटा हमारे पास इक्वेशन है 2y प्लस का बेटा कितना है 3x प्लस का 12 है, और ये हमें इक्वेशन दे रखा है। और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, इसने ये बोल दिया है कि फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन के लिए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब उसने स्ट्रेट लाइन बोल दिया है, तब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, देखो हमने अभी सीखा बेटा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, यही होती है। अब देखो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लेकर आइए, और इस फॉर्म में लाने के लिए ये होना चाहिए कि यहाँ वाला जो अपने पास में लेफ्ट वाला साइड वाला पार्ट होता है वो पार्ट जो होता है वन पावर के अंदर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ 2y इज इक्वल बेटा माइनस का 3x और माइनस का 12, ये आया बेटा, ठीक है। मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है सिंगल होना चाहिए, तो माइनस का 3x माइनस का 12 अपॉन में 2 और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन करके आ गई है। अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, तो इस इक्वेशन की आप कंपेरिजन कीजिए इससे, तो करोगे तो देखो बेटा क्या है, एक्स के पास जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल होती है, तो यहाँ पर ढाल किसका है, नेगेटिव, इतना ढाल कितना है इसका, नेगेटिव। तो नेगेटिव ढाल का जो स्लोप होता है वो कैसे बनता है, देखो ग्राफ कैसे बनता है, नेगेटिव का जो स्लोप बनता है वो इस तरह का हुआ, ये बेटा नेगेटिव स्लोप के ये तीनों ग्राफ हैं 1, 2 और 3। अब इस इक्वेशन के लिए कौन सा होगा ये हमें बताएगा इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट बेटा ये वाला क्या है, ये तो है इंटरसेप्ट, एक्स के पास में जो विद साइन होता है ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, अंत्यखंड होता है। तो यहाँ पे अंत्यखंड क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो बेटा नेगेटिव इंटरसेप्ट कौन सा वाला है, ये वाला इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव के अंदर है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ होगा इसके लिए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बेटा, इसके लिए ही ग्राफ होगा। यहाँ पे वो सिंपल आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी ग्राफ की, इसकी इक्वेशन की स्लोप बताइए आप, तो स्लोप क्या है, 3/2 माइनस का 3/2, ये इसकी स्लोप है विद साइन। आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई इंटरसेप्ट बताओ, अंत्यखंड बताओ, तो इसका अंत्यखंड कितना बेटा, माइनस का 12/2 माइनस का 6। यहाँ पर आपको विद साइन बतानी है, क्योंकि साइन बदलते ही आपका सारा जो है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हम आगे और एक और इक्वेशन ले लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर का मतलब
वो वाला क्लियर नहीं है, अच्छे से आ जाए। तो देखो अब हम इक्वेशन और लेते हैं। देखो बच्चों एक इक्वेशन और मुझे दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 4x माइनस का 3y है यहाँ पर, और फिर दे दिया बेटा कितना प्लस का 18, ये दे दिया। और यहाँ पे आपसे कहा है बेटा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो कितनी बेटा y = mx + ca, ये होती है ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप कीजिए बेटा 3y = 4x + 18, यही होगा बेटा, क्योंकि मैं इस 3y को इधर लेकर आता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा और ये जैसे हैं एज इट इज वैसे ही रह जाएंगे यहाँ पर ठीक है। तो y बराबर 4x by 3 + 18 by 3 है यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप इस इक्वेशन की, आप इससे कंपेरिजन कीजिए। तो आप x के पास में क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल होता है, ढाल यहाँ पे क्या है पॉजिटिव के अंदर है, इसका मतलब ढाल यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है ठीक है। तो ढाल यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है, तो पॉजिटिव ढाल कैसे होती है बेटा, ऐसे होती है भाई, पॉजिटिव ढाल ऐसी तो होगी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बेटा प्लस का है, तो ढाल हमने पॉजिटिव ले लिया। अब पॉजिटिव में अब देखिए बच्चों ये वाली ढाल जो है वो पॉजिटिव ना होकर क्या है नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि इसका लेफ्ट है, ये क्या है इसका लेफ्ट है और ये से क्या बेटा राइट है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या आ रही है फॉलिंग लाइन आ रही है, और जब भी ये फॉलिंग लाइन आती है, ये फॉलिंग लाइन आ रही है तो इसका मतलब स्लोप क्या है इसका नेगेटिव है, स्लोप क्या है इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में नहीं है, ये नेगेटिव के अंदर है। अब देखो यहाँ पर हमें जो ये दिया हुआ है अपने पास इक्वेशन, इसमें ढाल क्या है पॉजिटिव के अंदर है, तो पॉजिटिव की ढाल जो होगी वो देखें क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव ढाल ही होगी, ये होगी बेटा। लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं और लेफ्ट से राइट जाने पर राइजिंग लाइन आ रही है, और राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर स्लोप आएगी क्या होगी इसकी पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए कौन से वाला ग्राफ होगा वो हमें देखना है, वो हमें बताएगा इंटरसेप्ट बताएगा यानी अंत्यखंड बताएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो अंत्यखंड बेटा कितना है पॉजिटिव के अंदर है, और पॉजिटिव अंत्यखंड कौन सा वाला है, ये वाला है, तो इसके लिए ग्राफ ये होगा ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो ही होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखी पहले ठीक है, फिर बाद में हमने ये सीखा कि अंत्यखंड जो होता है इंटरसेप्ट क्या होता है, और फिर इक्वेशन को देख करके ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। इसी बेटा एक्सरसाइज का यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वो आप घर पर सॉल्व कीजिए, बनाइए उसको कि किस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके बेटा थैंक यू, नेक्स्ट अपन कर लेंगे। ओके बेटा।